Hi guys, this is me, your favorite AKR, and you're watching Ashokumar Rahi YouTube channel. तो पिछले ब्लॉग का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार देते रहना और आज का एक नया ब्लॉग देख लो, क्योंकि आज हम लोग अद्वीप को लेकर जा रहे हैं टेम्पल. वो पहली बार आज घर से बाहर जाने वाला है. तो अभी हम लोगों ने कैब बुक करी है, हम जाएंगे नानी के घर, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे दादेव टेम्पल, जो कि हमारे घर के पास ही है, पालम के अंदर है वो. तो मतलब उसको बहुत मानते हैं लोग, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ है. तो इसलिए हम अद्वीप को लेके जा रहे हैं उसके लिए पूजा करवाने, उसकी हेल्थ के लिए और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग उसके लिए पूजा करवाने जा रहे हैं. तो जल्दी से मैं आपको पहले अद्वीप से मिला देता हूँ फटाफट. घूमी घूमी करने जाएगा मेरे बेटू, आज घूमी घूमी करने जाओगे, ये पर नानी के पास जाओगे आज, हैं? मंदिर चलेंगे मंदिर. ओ बोलू कुछ तो बोल. देख कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं. और वैसे जब ये लेटर रहता है ना बिना कैमरे के, तब ऐसा हूँ हाँ ही कुछ ना कुछ करता रहेगा, पर अभी देखो एकदम चुप, एकदम नोना बच्चा बन गया. अभी हम कैब में आ गए, अभी देखो कैब में बोलो कुछ. तो फाइनली अभी हम लोग कैब में आ गए, सब लोग बैठ गए. दीदी किसको फ़ोन कर रही है? चल ठीक है. तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वेट करते करते, बड़ी मम्मी अब तक आई नहीं है और अब तो हम भी थक गए हैं. बेचारा आदमी तो थकान के मारे सो भी गया है, उसको लगा पता नहीं कब पर नानी जी आएंगी, कब हम अंदर जाएंगे, इतने वो तो सो भी गया, देखते हैं. अच्छा हाँ शायद से इन्होंने एंट्री ले ली है, दिखाता हूँ मैं. फाइनली बड़ी मम्मी आ गई है और बाकी सब बच्चे भी आ गए हैं, देखो. अरे बाप रे, अरे 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 ओए पीयू, व्लॉग को हाई कर जैसे लास्ट टाइम किया था. तो आप लोग इतना लेट आए हो ना, बेचारा हमारा अद्वीक सो भी गया, बताओ. जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, मेन जिसके लिए हम मेन आए हैं वो तो सो भी गया. अगर बड़ी मम्मी, अगर अद्वीक अंदर जाने से पहले अगर मंदिर बंद हो गया तो क्या करोगे आप? इतना लेट आए हो आप, क्या करोगे? आप किस में अद्वीक सो भी गया? बैठेंगे आराम से, सेवा करेंगे मंदिर वाले. ठीक है और क्या. अब देखो ये हमारी काकू जो है वो पूरी तैयार होकर आई है, बट चप्पल ये बाथरूम वाली पहन के आई है. तो बाथरूम वाली चप्पल क्यों पहन के आई? पहले ये होता चोरी हो जाती है, चोरी के डर से. तो ऐसे बात बता, अगर अब चोरी होगी तो तुम बाथरूम क्या पहन के जाओगे? दूसरी ले लेंगे. साहिल भाई ने एकदम ताजा ताजा मेरे को बताया कि मैं शूज पहन के आ गया हूँ, मतलब मैं शूज पहन के आ गया हूँ और यहाँ पे शूज हो जाते हैं चोरी, और इस वजह से ये सब लोग चप्पल पहन के आए और मैं अकेला जूते पहन के आया हूँ. तो इन लोगों ने मुझे पहले डरा दिया है कि भाई तुम्हारे जूते चोरी हो सकते हैं. तो ये पर मैंने भी होवे थे भाई, जब तक मैं अंदर जाता तब तक कुछ जूतों के पास बैठा रहे मेरे. सही सही कह रहा हूं. तो अभी बड़ी मम्मी अद्वी के नाम का प्रसाद ले रही है, तो दादा मंदिर में हम गुड़ की भेली चलाते हैं, है ना? हाँ. तू भी कुछ ले ले अद्वी के लिए. घर पे बहुत कुछ प्लान कर रखा है. अच्छा तो आज हम अद्वी का वेलकम भी होगा, तो हम वेलकम भी देखेंगे अद्वी का, है ना? यहाँ पे गुड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया है. मामा हम इसको अंदर नहीं चढ़ाते थे विक्की मामा? अच्छा आपको पहले हम लोग सीधा मंदिर के अंदर लेके जाते थे, बट अब कोविड की वजह से हमें ये स्टेप, ये वाली चीज प्रोसेस बाहर ही करनी पड़ती है. सारे बच्चे अद्वी को देख के ऐसे एक्साइटेड हो गए ना. अद्वी तो अभी से स्टार है ना, यहाँ जाते उसकी फोटोज वो सब इसको चलता रहता है. ये अद्वीक मामू का नाम रोशन करेगा. मेरे को तो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं पहले आया करता था, बट अभी रिसेंटली मैं काफ़ी टाइम से नहीं आया हूँ. माँ आपको एक बार याद है जब मैं बहुत छोटा था और यहाँ पे वो पत्तल वाला खाना मिलता था, पत्तल वाला, उन्होंने मेरे लिए सब्जी डाली और मैं रो रहा था मम्मी के सामने कि वॉइस में लीक हो जाएगा, से लीक हो जाएगा, और मैं खा ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा डर लगा था कि कहीं पत्तल में लीक ना हो जाए खाना. असली वाला था ना, डोंगे आ गए और वो मतलब प्लास्टिक और ये सब का वो हो गया, पर वो तो पत्तल तो रियल चीज थी ना, सारे केले के पत्ते से उन्होंने बना रखे थे. और जब मेरे लिए सब्जी डाली ना, मैं ऐसे डर गया कि कहीं क्या ऐसा लीक ना हो जाए. मैं था भी बहुत छोटा, तो जब मैं ऐसे प्रेम प्रेम से थोड़ा सा और छोटा ही था मैं, तो मेरे को इतनी अकल भी नहीं थी कि यार वो मतलब सब लोग उसी में खाते थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई लीक हो जाएगा या गिर जाएगा. ये वो एरिया जब हम छोटे थे, जब हम आते थे ना, तो यहाँ पे पूरा पानी होता था और तालाब होता था, तो बहुत अच्छा व्यू आता था. बट अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा नया बना रहे, तो शिव जी की मूर्तियाँ पे बनाई है उन्होंने बहुत सुंदर, और उसको पूरा पानी से कवर कर रहे हैं. स्त्री को भी एक अच्छी सवारी मिल गई, बच्चों को बहुत सही है भाई, इनको करना भी सब कुछ है बट खुद से कुछ नहीं करना है. इनको जिंदगी में सब चाहिए बट अपनी मेहनत तो कुछ नहीं चाहिए. पीयू पापा की बारी, इसको हर जगह घूमना है बट पापा की कमर पे घूमना है, अपनी उससे नहीं चलना इसको. तो देखो ये थी वो लोकेशन,
जब हम लोग पहले जब हम छोटे थे, जब मैं आता था तो यहाँ पे पूरा पानी होता था काफ़ी अच्छे लेवल तक। तो फिर हम लोग यहाँ पे आके जल चढ़ाते थे, पैसे चढ़ाते थे, जो भी पूजा होती थी वो यहाँ पे करते थे। बट अब इन्होंने कितना अच्छा कंस्ट्रक्ट कर दिया, पूरे इसको बाउंड्री कर दिया, बीच में शिव जी की मूर्त कर दी है और अभी यहाँ पे पूरा पानी भर देंगे तो बहुत सुंदर व्यू बन जाएगा इसका। बढ़ जाए, यहाँ पे बंदर आ गया और सारे बच्चे बंदर को देख के दूर दूर भग गए। तो हम भी जाते हैं बिना बंदर को परेशान करे, चुपचाप हम अपने रास्ते, और वो अपने रास्ते, उसको खाना खान दो और हम निकल लेते हैं। भाई ये होते हैं हार्ड वर्किंग फोटोग्राफर, देखो पूरा जमीन पे लेट के, साहिल और लेट जा, घुस जा वहां पे गड्ढा खोद ले एक। और ये नोनू पूरा फायदा उठा रही है अपने बड़े होने को, जर बच्चे को जमीन पे लिटा के फोटो खिंचवा रही है। बच्चों का बढ़िया है, साहिल ने अपनी सारी पढ़ाई लगा दी भाई एक फोटो खींचने के चक्कर में। बना रहे हो ना तू भी आ रहा है, तू भी आ रहा है, तेरी येलो वाली बेल्ट भी आ रही है। नोटी भाई वाली बेल्ट, नोटी भाई यार इतना अच्छा लग रहा है ना, तो घास चलना इतना मजा आ रहा है। तो मेरे साथ आ गई पीहू, और पीहू का भी चैनल है, पीहू अपने चैनल का नाम बता दो सबको। पीहू पापा की परी। तो जैसे आप मेरे चैनल को प्यार करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, वैसे ही आप पीहू के चैनल को भी प्यार करो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसकी वीडियोस देखो। सुनते सुनते आ गए, जैसे कि हम बटारा खाने आए यहाँ पर। नहीं आप दोनों, आप भी आए उसके साथ पीछे पीछे, आप जल्द बचो मत भंडारे के चक्कर में। ये रखे हुए आलू पूरी सूंघते सूंघते हैं, आपको पता लग गया वो बंदे होंगे तो तेरे होंगे। तो अभी जो हम लोगों ने इतनी मस्ती करी, तो आपको लग रहा होगा कि हम तो मंदिर आए थे, हम खेलने का चल गए, एक्चुअली ये था फुटेज खाने के लिए कहीं भी आ रहा था, घुस जाता कहीं भी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम लोग इतना कहाँ चले गए थे, तो हम लोग ना 1 बजे आए थे, तो 1 बजे से 2 बजे तक मंदिर का होता है गेट बंद, मतलब जो मेन मंदिर है ना हम उसके अंदर नहीं जा सकते। मे बी कुछ होता होगा कि टू टाइमिंग के लिए होता होगा, एक आधा घंटा ब्रेक करने के लिए या फिर थोड़ा क्लीनिंग व्लिनिंग करने के लिए। तो अभी फिर से शुरू होने वाला है 2 बजे के बाद, तो हम लोग जाते हैं और अब अंदर जाकर दर्शन करके आते हैं। 2 बज चुके। देखो मेरा इंग्लिश वाला फूल हमारे लिए हिंदी वाला फूल लेके आया था, फूल तह तहस कर दिया इसने। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगल। एक्चुअली मैं अंदर से मंदिर तो बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टेंपल बने हुए हैं, बट मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया अंदर की, क्योंकि ज़्यादा कैमराज वगैरह वहाँ पे या फिर सेलफोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं मंदिर की बहुत अंदर की तो नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत जो भी मैं दिखा पाया मैंने वो दिखाया। और अभी एक और चीज़ हम करने आए हैं, वो पहले ना जब यहाँ पर पानी था तब बहुत अच्छी होती थी कि मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के साथ घर बनाने होते थे, बट अभी पानी खत्म हो गया तो ड्राई मिट्टी के साथ ही हमें करना पड़ेगा। इतने टाइम बाद ऐसे फैमिली के साथ आए ना, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। तनीषा तुमने शादी के बाद खाना खा लिया, पेट भर के नहीं खा पाई? उसके बाद मैंने बहुत सारा खा लिया था, हमेशा पेट भर के। तुमने शादी के अंदर ही तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सब लगे पड़े। साहिल भी माचिस इकट्ठा कर रहा है, घर लेके जाऊंगा इतनी सारी माचिस इकट्ठा करके। चलो सबसे जो मजा कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मजा ना अद्विक कर रहा है, क्योंकि उसको मस्त गोदी में चढ़ना है, बढ़िया घूमना है, कोई टेंशन नहीं। एक और मंदिर है, अभी हम एक और मंदिर के अंदर जाते हैं, ये सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे, सबसे पुराना, तो यहाँ पे जाते हैं और देख के लिए प्रेयर करते हैं। काकू जाओ प्रसाद लो, भैया थैंक यू अंकल जी। तो अब हमें मिल चुका है बहुत ही टेस्टी बूंदी का प्रसाद, जो हम छोटे थे ना हम मतलब ऐसे लाइन में अलग अलग के लेके आता था, मतलब बहुत बहुत भारी, और बहुत टाइम के बाद ऐसे करने का मौका मिलता था, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी होता है ये। सो फाइनली आई एम बैक होम, और बहुत ही मज़ेदार ट्रिप थी, हमने पूरा दादा देव मंदिर घूमा, अद्विक के लिए पूजा करवाई, अच्छे से सबको प्रसाद चढ़ाया, तो बहुत मज़ा आया। सो आप भी प्लीज़ ऐसी ही ब्लेसिंग्स और ऐसी ही दुआएं बना के रखिए, और हम लोग मिलते हैं आने वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अपना फेवरेट पार्ट वीडियो में कमेंट कर दो, बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मेरा नहीं भाई ये आपका ही चैनल है, तो अपने चैनल को हर कोई सब्सक्राइब करता है, तो कर दो अपने चैनल को सब्सक्राइब भाई, ठोको।